हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी मोबाइल में इस तरह का मैसेज आया हुआ है आर्टिकल नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है और इसे आप कैसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके भी मोबाइल में इस तरह का एक मैसेज आया हुआ है आर्टिकल नंबर और उसके बाद कुछ नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है और इसे आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या आया है। तो दोस्तों, ये जो भी है वो इंडियन स्पीच पोस्ट का मैसेज है कि आपके पास कोई भी कुरियर आ रहा है या कोई भी आपका आपने ऑनलाइन आधार कार्ड मंगवाया है, जो भी आपने ऑनलाइन आधार PUC कार्ड मंगवाते तब भी आपको यही मैसेज आता है। और कुछ भी आपको जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, जैसे कि स्पीच पोस्ट की तरह इंडियन पोस्ट की तरह, तब आपको ये मैसेज आता है आर्टिकल नंबर वाला। तो इसके बाद नंबर के बाद दोस्तों UI403 इस तरह के कुछ नंबर है, वो नंबर आपको यहाँ पर इसको कॉपी करना है। और नीचे आपको एक वेबसाइट दिख रही है इंडियन पोस्ट की, तो आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ indianpostgovernment.in उस पर आपको ओके करना है और इस ऑर्डर को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर कंसीडर नंबर आपको यहाँ पर डालना है, तो आपको वो नंबर डालना है जो भी आपको यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर ये नंबर इधर N तलक होता है और जो U है वहाँ से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर U है, वहाँ से स्टार्ट होता है नंबर। और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर कैप्चा डाला है उसको आपको सॉल्व करना है, 8 = 1 9, तो इसको यहाँ पर आपको 9 डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो भी यहाँ पर आता है दोस्तों, आपको यहाँ पर पता नहीं चलता कि कहाँ पर आया, मगर आपको बार बार इस तरह का मैसेज आता रहता है कि आपका कुरियर कहाँ तक पहुँचा। इसमें आपको कुछ भी डिटेल यहाँ पर आपको पता नहीं चलती कि क्या आ रहा है, मगर आपको यहाँ पर एक मैसेज तो ज़रूर आता है। तो यही सोल्यूशन इसका जो मतलब होता है कि आर्टिकल नंबर जो इंडियन पोस्ट से आता है उसको ही आर्टिकल नंबर कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।